In this video, we are going to discuss the importance of planning. कि किसी भी संस्था को plan करने से क्या benefit मिल सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं. So the very first importance is provide direction. Direction का मतलब क्या होता है? एक रास्ता, काम करने का तरीका. जब किसी इंसान के दिमाग में कुछ goal होता है, ठीक है, तो वो उस goal को हासिल करने के लिए मेहनत भी उसी के according करता है. तो मतलब उसे पता है कि अगर मुझे IAS ऑफिसर बनना है तो मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने पड़ेंगे. अगर मुझे रेलवे में जाना है तो ये चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी. अगर मुझे टीचिंग में जाना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी. मतलब जब गोल डिसाइड है तो तरीका भी पता है. मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है तो तरीका पता है कि ऐसे ऐसे रास्ते जाना है. इसी तरीके से जब किसी कंपनी के प्लान्स होते हैं, गोल्स होते हैं, तो गोल होने की वजह से एक रास्ते में क्लियरिटी आ जाती है. पता चल जाता है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें ये सब चीजों को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा. तो सबसे पहला फायदा प्लानिंग का कि प्लानिंग हमें रास्ता दिखाता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे. देन रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? कि जिन चीजों का कंफर्म नहीं होता कि यही होंगी या कुछ और भी हो सकता है. हम में से कितनों को पता कि भविष्य में क्या होने वाला है? अगले 5 मिनट का नहीं पता कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है, ठीक है. अब जो बिजनेसमैन होते हैं वो फ्यूचर के 2-2 साल के 10-10 साल के प्लान बना के रखते हैं, है ना. लेकिन अगले 2 साल किसे पता कि 2 साल जिंदा भी रहोगे? किसे पता कि कोरोना का इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा और सब लोग इतने प्रॉब्लम में आ जाएंगे? किसी ने प्लानिंग तो नहीं की थी, क्योंकि फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन होता है. लेकिन जो लोग अपने प्लानिंग करके चलते हैं कि आने वाले समय में कुछ, सपोज हम ही लोग हैं, है ना, नॉर्मल इनकम आती है तो उसमें से कुछ हिस्सा सेव करके चलते हैं. सेविंग बेसिकली क्या है? एक फ्यूचर के लिए प्लानिंग है कि फ्यूचर में अगर हमारे सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाते हैं तो एटलीस्ट हम अपनी बेसिक नीड्स को सेविंग के थ्रू फुलफिल कर पाए, जैसा कि आजकल बहुत से लोग कर भी रहे हैं. तो फ्यूचर तो एक अनसर्टेन है, फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता क्या होने वाला है. लेकिन उस फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को कम किया जा सकता है किसकी मदद से? प्लानिंग की मदद से. अनसर्टेन मतलब जो कंफर्म नहीं है, उससे होने वाले रिस्क को, कोरोना से कितने लोग पीड़ित हुए, कितने लोग प्रॉब्लम में आ गए जब शिफ्ट हुए, तो जी बहुत प्रॉब्लम आई लोगों को, पैसे की सोर्स खत्म हो गई. लेकिन अगर उनकी प्लानिंग प्रॉपर होती, पास्ट की, पहले से चलते, प्रॉपर प्लानिंग करके चलते, सेविंग करके चलते, तो आज इतनी दिक्कतें फेस ना करते, ठीक है. तो प्लानिंग बेसिकली आपके फ्यूचर के अनसर्टेन रिस्क को कम करने में भी मदद करता है. देन प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब किसी काम को करने के नए से नए तरीके. और नए तरीके कैसे पता चलेंगे? जब आप सोचोगे, और सोचने को क्या कहते हैं? प्लानिंग. तो कहीं ना कहीं प्लानिंग आपको इनोवेटिव भी बनाता है. इनोवेटिव क्योंकि कई सालों से हम ऐसे करते आ रहे हैं. अब एज अ टीचर हम कई सालों से नॉर्मल बोर्ड पे लिखा करते थे, बच्चों को पढ़ा दिया करते थे, या पर्सन फेस टू फेस पढ़ाते, इस तरीके से वीडियोस से हमने नहीं पढ़ाया. लेकिन ये अनसर्टेन इवेंट हुआ, किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन उस चीज़ के अकॉर्डिंग अब हम लोगों ने प्लान किया कि फ्यूचर में जब कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका कि लोग नहीं आ पा रहे, स्टूडेंट नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे, 1-to-1 पर्सनली नहीं कॉन्टैक्ट में आ पा रहे, तो हम लोग वीडियो के थ्रू पढ़ाएंगे, है ना. तो इसमें एक इनोवेटिव आइडिया कि ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, स्टूडेंट इस तरीके से भी रिस्पॉन्स कर रहे. तो ये सोचने से ही तो समझ में आया कि अगर चलो हम स्कूल नहीं जा सकते तो चलो इसी तरीके से आपके साथ बात कर लेते हैं, इसी तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं. तो कहीं ना कहीं प्लानिंग इनोवेटिव भी आप लोगों को बनाता है. ये भी प्लानिंग की एक मदद है. देन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसाइड करना कौन सा बेहतर है, कौन सा काम करें, कौन सा छोड़ दें. तो प्लानिंग का एक फायदा यह है कि प्लानिंग आपकी हेल्प करता है डिसीजन लेने में. कैसे हेल्प करता है? प्लानिंग जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई किसी भी काम को करने के कौन कौन से तरीके हैं, दैट इज वेरियस ऑल्टरनेटिव. फिर ऑल्टरनेटिव में कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सा बेहतर है, कौन सा बेकार है. बेहतर का क्राइटेरिया क्या है? कि जिसमें समय कम लगे, खर्चा कम आए. वो सब करने के बाद वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट प्लान. जो हमने प्रोसेस में भी पढ़ा था कि आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव, इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव एंड देन सेलेक्टिंग. तो सिलेक्शन में बेसिकली हमने क्या किया? डिसीजन लिया. तो प्लानिंग ने हमारी मदद करी कि हम कौन सा तरीका चुने.
जो भी हमें गोल अचीव करना है उस गोल को अचीव करने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट होगा, जिसमें समय कम लगेगा, खर्चा कम लगेगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग हमारे डिसीजन लेने में भी मदद करता है। क्लियर है? प्लानिंग हमें एक डायरेक्शन देता है काम किस तरीके से किया जाएगा, वो रास्ता दिखाता है। प्लानिंग फ्यूचर में होने वाले रिस्क को कम करता है। कैसे? तो उसके लिए अरेंजमेंट हम कर लेते हैं पहले से। लोग इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन इंश्योरेंस लेने से कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर इन केस आग वाग लगी तो फायर इंश्योरेंस से पैसा रिकवर हो जाएगा, काम दोबारा चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग आपके रिस्क को भी कम करता है। प्लानिंग आपको इनोवेशन आइडिया, इनोवेटिव आइडिया मीन्स आपको सोचने समझने की जो शक्ति है वो और ज्यादा आपकी बढ़ाता है। जब आप प्लान करते हो, सोचते हो, तो सोचने में कुछ नया सोचोगे, है ना? तो प्लानिंग ने आपको इनोवेटिव भी बनाया। प्लानिंग आपके डिसीजन लेने में मदद करता है कि किस तरीके को फॉलो किया जाए और किसको नहीं किया जाए, तो आपकी मदद प्लानिंग करता है। एंड लास्ट, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। कि प्लानिंग जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली काम को बांट लेते हैं, ना? ये आपका काम, ये आपका काम, ये आपका काम, बांट गया तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। हर बंदे को पता है कि मेरा क्या काम है, ये मुझे करना है, बाकी काम उस बंदे को करना है। तो इससे जो एक ओवरलैपिंग है कि सेम काम मैंने भी किया, प्लान जब नहीं था वही काम मैंने भी कर दिया, वही सेम काम दूसरे एम्प्लॉय ने भी कर दिया, क्योंकि दोनों में डिसाइडेड था किसने क्या करना है। लेकिन जब हमने प्लान किया, काम बांट दिया, आपका काम ये है, आपका काम ये है, तो फिर वो जो वेस्टफुल एक्टिविटीज थी, एक ही बंदा, दो बंदे सेम काम कर रहे थे, कंपनी का समय बर्बाद हो रहा था, आउटपुट निकल नहीं रहा था। तो उस ओवरलैपिंग एक्टिविटी से अगर आप बचना चाहते हो, ड्यूअलिटी से बचना चाहते हो, तो उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। सो दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। थैंक यू।